तो इस वीडियो में मैं आपको इस शेल्टर के बारे में बताता हूँ और इस शेल्टर के थ्रू मैं आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाला हूँ। जनरली हम लोगों को लगता है कि हम कुछ बड़ा जब करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे होंगे, तो हमारी ज़िंदगी में एक परफेक्ट सिचुएशन होनी चाहिए, फिर हम उस बड़े को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ ये शेल्टर क्या है। ये शेल्टर है, ये अबेंडन डॉग्स या फिर इंजर्ड डॉग्स यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हो कितना बड़ा शेल्टर है, ये जो ग्रीन ग्रीन है इसकी बाउंड्री है, ये पूरा शेल्टर है। यहाँ पर करीब 206 डॉग्स हैं, अभी सारे डॉग्स बाहर गए हुए हैं, तो 206 डॉग्स हैं, वो यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ उनका इलाज होता है अगर वो इंजर्ड हैं। स्ट्रीट डॉग्स, कई कई जो ब्रीडेड डॉग्स होते हैं उनको लोग अबेंडन कर देते हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं और उनकी भी यहाँ पर सेवा होती है, उनको खाना मिलता है। तो इस तरह से एक डॉग शेल्टर बनाया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा, 206 डॉग्स को यहाँ पर खाना खिलाने को खाना मिलता है, उनका इलाज भी होता है, हर तरह के डॉग्स हैं यहाँ पर। अब ये इतना बड़ा जो काम है, आप सोच रहे हो कि ये काफ़ी बड़ा काम है, काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट भी है। इस तरह के काम जब हम इमेजिन करते हैं कि कोई कर रहा होगा, तो हम ये सोचते हैं कि वो बंदा, उसके पास एक शायद अच्छा घर होगा या फिर कैरियर उसका सेट होगा, बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में परफेक्ट होंगी, उसके बाद उसने शायद ये शेल्टर बनाएगा। आप भी कभी सोचोगे कुछ इस तरह का काम करना है या फिर कुछ बड़ा काम करने की आप सोचोगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि पहले मैं शायद मुझे डोनेशंस मिलेंगी, पहले शायद मुझे ज़मीन मिलेगी, पहले शायद मुझे कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जब परफेक्ट सिचुएशन होगी तब मैं ये काम करना स्टार्ट करूँगा या फिर कोई भी काम करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन इस काम को जिस बंदे ने किया है, मैं उस बंदे से आपको मिलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी परफेक्ट उनकी लाइफ रही है। तो ये हैं हमारे प्रेम राजपूत जी, ये शेल्टर इनका है। हेलो प्रेम जी। तो ये प्रेम जी हैं, ये एक इनका कह सकते हैं बैठने की जगह है, डॉग्स भी यहाँ पर रहते हैं। ये प्रेम जी की सोने की जगह है, और ये प्रेम जी की किचन है। देखो आपको मैं किचन दिखाता हूँ, ये किचन है, ये किसी ने शायद फ्रिज डोनेट किया होगा, ये गैस भी शायद किसी ने डोनेट किया होगा, फिर उन्होंने खरीदा होगा। ये किचन, इससे पहले ये भी नहीं थी, ये जो आप बड़ी जगह देख रहे हैं, डॉग्स इतनी थे और जगह यही जगह नहीं थी, इनके पास में रहने के लिए भी जगह नहीं थी, एक झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन तब भी वो ये सब काम कर रहे थे। तो अब इनसे पूछ लेते हैं कि कितनी परफेक्ट सिचुएशन रही आपकी, आप बताइए सर। यहाँ सर लाइट ठीक नहीं आ रही, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। तो कैसे स्टार्ट किया आपने, आपके पास बहुत सारे पैसे रहे होंगे पहले शायद, फिर आपने स्टार्ट किया होगा। स्टार्टिंग में कि डॉग तो बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थे, मैं स्ट्रीट डॉग्स हमेशा बड़े उठा उठा के ले आता था। तो एक बार बड़ी जिद करके मैंने एक डॉग रख लिया, तो मैंने देखा कि उसको बीमारियाँ होनी शुरू हुई, चोट लगनी शुरू हुई, तो वैसे मैंने अपने आसपास और डॉग देखने शुरू किए, तो ये चीज़ बढ़ती चली गई। फिर मैंने घर में फैमिली रखनी नहीं देती स्ट्रीट डॉग्स को, घर में लेके आना, तो आगे जाके एक जगह आया जैसे कि मैंने आपको बताई थी, वहाँ मैंने एक छोटी सी ना घास फूस से या कुछ कबाड़ वगैरह से उठा के एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी, तो उसके अंदर डॉग रखने शुरू किए, वहाँ से शुरू किया। तो कभी ये किशनगढ़ में डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, तो वहाँ जाना शुरू किया, वहाँ से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, वहाँ से सीखना भी शुरू किया, इनके बारे में ऑनलाइन भी जाना शुरू किया। तो उस झोपड़ी से धीरे 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 करके हमने उसके साथ में एक और बड़ी जगह रेंट पे ले ली थी, उसको कवर कर लिया था। फिर कुछ साल हमने वहाँ पे काम किया, वहाँ से स्ट्रीट डॉग्स उठा के लेके आने, दूसरे डॉग्स हैं वो भी उठा के लेके आने, और हम क्या करते थे इसी में हमने ट्रेनिंग सीख ली। अच्छा। ट्रेनिंग स्कूल पुणे में है देव रोड पे, तो वहाँ से मैंने डॉग ट्रेनिंग सीख ली। उसका पर्पज यही था कि मैं डॉग से ज़्यादा अटैच रह सकूँ, और दिखती सी बात है कि थोड़े से पैसे आपको चाहिए ही हैं, और कभी डोनेशन मांगने की या डोनेशन या ऐसी चीज़ करने की ना ही हिम्मत हुई और ना ही लोगों पे विश्वास रहा कि कोई आके डोनेशन देगा या कोई आगे आगे हेल्प करेगा। क्योंकि अगर कोई आजकल क्या है ना, लोग अगर आपको डोनेशन दे भी देते हैं तो वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने आपको खरीद लिया हो, या आपको बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लग जाते हैं कि हिसाब दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो वो सारी चीज़ें हमने नहीं की। तो बस ऐसे स्टार्टअप रहा। फिर कुछ साल पहले हमें ये वाली लैंड मिली कि वहाँ पे कुछ घर आसपास आ गए थे, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी जैसे डॉग बात करते हैं ऐसा कुछ होता है, कोई स्मेल वाला मैकेट वाला बच्चा बहुत ज़्यादा, तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी, वहाँ पे कुछ घर बन गए थे।
फिर उसके बाद हमने ये वाली जगह ली, ये वाली जगह हमने परफेक्टली बनाई और अभी चल ही रहा है काम, आप देख ही रहे हैं सारा। तो हमने पहले इसकी बाउंड्री बना ली, पीछे एक छोटा सा शेड बना लिया खुद के लिए, तेज गर्मी में एक इनकली शेड डाला और एक तिरपाल लगा ली थी, तो हम उसके नीचे रहते थे, तिरपाल के नीचे रह के शूट किया। अगर कोई करना चाहता है इस चीज़ को ना, तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए या बहुत ज़्यादा मनी चाहिए। अगर करने की इच्छा है ना, तो वो एक रिक्शा चलाने वाला भी स्टार्ट कर सकता है, वो धीरे 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 करके शिखर तक पहुँच ही जाएगा, क्योंकि इनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। जब आप करना शुरू करोगे ना चीज़ें, तो वो धीरे धीरे करके चीज़ें होने लग जाती हैं। अगर आप घर पे बैठ के सोचते रहोगे कि मेरे पास एक अच्छा वेटनरी होना चाहिए, मेरे पास स्टाफ होना चाहिए, मैं पहले रजिस्ट्रेशन करवा लूँ, मैं एक लैंड, लोगों को लगता है कि जब कोई चैरिटेबल एक्टिविटी उनको अगर करनी है तो सबसे पहले उनको एनजीओ स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अभी तो इनका जो काम है आप जो देख रहे हो, ये मतलब ये एनजीओ में करना, एज ए एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो भी इनकी सैलरी है या फिर थोड़ा बहुत कहीं से अगर आ जाता है तो उसी में ये करते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, पहले एक एनजीओ रजिस्टर करूँगा, फिर एक चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा। तो हमेशा लोग परफेक्शन की तरफ भागते हैं, सोचते हैं कि पहले परफेक्ट सिचुएशन आएगी फिर मैं काम स्टार्ट करूँगा। घर से निकलोगे ही नहीं तो घर मंजिल तक पहुंचोगे ही कैसे? लोग ना घर पे बैठे बैठे सोचते रहना है, प्लान्स बहुत होते हैं लोगों के पास, ना ही वो प्लान्स शेयर करते हैं और ना ही उन पे खुद अमल करने की कोशिश करते हैं। बस कॉपी में लिखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं बहुत सारे लोग, तो मेरे कई सारे दोस्त यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, ये संदीप, क्या नाम का, संदीप महेश्वरी, उनकी वीडियोस देखते हैं, चार्ज होते रहते हैं लेकिन उनको करते नहीं है, बस देख के जोश, बिस्तर में लेटे लेटे सब जोश में आ रहे हो, लेकिन उनको करोगे से करने निकलोगे ना, तो धीरे 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 इनको सारी चीज़ें कर लेती। हमने अकेले शुरू किया था कि आज आप आ गए और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, आप फैसला आपका कि आप क्या चूज़ करते हैं। बिल्कुल, कई लोग जैसे सोचते हैं कि चलो बहुत सारी डोनेशन आ जाएगी हमारे पास, तो आप उस पर्पज से कर दोगे तो आप एक ना एक दिन डूब ही जाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कि आप परफेक्ट एज अ बिजनेस करोगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ये कि अगर जब हेल्प करने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 करके आपका अपने आप बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आप परफेक्ट प्लान की तरफ मत जाइए कि हाँ मैं, मेरे फादर रिटायर होंगे, मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं करूँगा, मेरी लैंड सेल होगी या वहाँ से पैसे आएंगे, तो फिर वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सिंस मैंने जो चैनल बनाया है वो परफेक्शनिज्म पे फोकस्ड है, तो आप देख सकते हो कि प्रेम जी से ज़्यादा इम्परफेक्शनिस्ट बंदा कोई नहीं हो सकता। और मैंने बहुत सारी फील्ड्स में देखा है, जितने भी लोग जो काफ़ी, जैसे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर और भी जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग इम्परफेक्शनिस्ट हैं। तो वो ये नहीं देखते कि जब सिचुएशंस बेटर होंगी, सिचुएशंस परफेक्ट होंगी, सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग आएंगी, तब मैं अपना काम करना स्टार्ट करूँगा। लोग बस स्टार्ट कर देते हैं, तो जो पहला आप काम करना स्टार्ट करते हो वो पहला काम आपका काफ़ी रफ सा काम होना चाहिए। आपने रफ तैयार कर लिया, उसके बाद आप उसे फेयर कर सकते हो। तो कोई भी काम आप कर रहे हो, द मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज़ बी इम्परफेक्शनिस्ट।